हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी सीमेंट गमले को किस तरह से घर पर ही तैयार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आप भी अगर इस तरीके से सीमेंट गमला बनाना चाहते हैं आप अपनी प्लांट्स के लिए, बहुत आसान तरीका इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप बहुत कम खर्च पे इस तरीके से गमले को तैयार कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से प्लास्टिक पॉट्स लेना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये डिजाइनर पॉट्स है। किनारियों में देख सकते हैं इस तरीके से बॉर्डर पहले से ही बना हुआ है, जो कि हमें अलग से बॉर्डर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस तरीके से ये गमला जो है बनकर तैयार हुआ है। पहले से ये बॉर्डर देख सकते हैं। इस तरीके से आपको पॉट्स को लेना होगा। पॉट्स को लेने के बाद इस तरीके से अंदर से आपको अच्छा से ऑयलिंग करना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आप ऑयल किसी भी तरीके की ऑयल ले सकते हैं। अगर गाढ़ा होगा तो और अच्छा होगा, निकलने में बहुत आसान होगा। इसलिए फ्रेंड अच्छा से आपको ऑयलिंग करना है। कहीं पर भी जगह जो है छूटना नहीं चाहिए, ताकि हमारी पॉट्स निकालते समय किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। इस तरीके से ऑयलिंग पहले करना है। उसके बाद फ्रेंड इस तरीके से आपको सैंड लेना है, जिसे हम रेत कहते हैं। रेत को लेने से पहले इस तरीके से आपको छान लेना है, जो कि रेत के अंदर मोटी मोटी पत्थर होती है, उससे आपको इस तरह से क्लीन करना है। जैसे कि आप 7% अगर सैंड ले रहे हैं तो आप उसमें 30% सीमेंट को ले सकते हैं। इस तरीके से आपको मिक्सर तैयार करना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, दोनों को इस तरीके से आपको लेना होगा। इस तरीके से लेने के बाद देखिए फ्रेंड, आप अपने हाथ में ग्लोव्स पहन लेना है। यहाँ पे बहुत जरूरी है फ्रेंड, क्योंकि हम इस गमले को बनाने के लिए हम डायरेक्ट हाथ में ही तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमारी जो पॉट्स है इसमें ऑयलिंग किया हुआ है, उसके ऊपर आपको ड्राई सीमेंट इस तरह से अंदर जो है स्प्रिंकल कर रही हूँ। ऑयल में जो है सीमेंट इस तरह से चिपक चुका है। एक्स्ट्रा सीमेंट जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही पानी मिलाना है, एक साथ में बिल्कुल पानी नहीं मिलाना है। थोड़ा सा भी अगर पतला होता है तो बनाने में परेशानी होगी, इसलिए फ्रेंड इस तरीके से आपको मिक्सर तैयार करना है। सबसे पहले आपकी मिक्सर सही होना बहुत जरूरी है। आप अपने हाथ की मदद से इसी तरह आपको मिक्सर को उठाना है। देख सकते मेरे हाथ में इस तरह से चिपकाते हुए ऊपर की ओर हाथ को लेना है। हाथ की मदद से ही आपको करना होगा। हमारे गमला जो है बहुत आसानी से बनके तैयार होगा, बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। पॉट्स को घुमाते हुए आपको चिपकाते जाना है, इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके एक साइड से चिपकाते हुए जाना है। यहाँ वहाँ चिपकाना नहीं है, जहाँ से भी आप शुरुआत किए हैं वहीं से ही चिपकाते हुए आपको लास्ट तक आना होगा। देखिए फ्रेंड, कहीं पर भी गैप नहीं छोड़ना है। यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से चिपका रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से चिपकाना होगा। एक ही तरफ से अगर आप इस तरीके से चिपकाते रहेंगे तो बहुत आसानी से जो है पकड़ बनी रहेगी और बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। अगर मिक्सर अगर आपने सही तरीके से नहीं बनाए होंगे, लगाते समय गिर भी सकता है, इसलिए मिक्सर को आपको सही तरीके से बनाना होगा। देखिए फ्रेंड, मैं जैसे इसे चिपका रही हूँ कहीं पर भी गिर नहीं रही है, बहुत आराम से इस तरह से चिपक चुका है। देख सकते फ्रेंड, यहाँ पर बचा हुआ जो हमारे पास मिक्सर है नीचे बेस में इस तरीके से डालना है। बहुत ज्यादा भी आपको अंदर नहीं डालना है, सिर्फ 1 इंच हाइट में आपको बचा हुआ मिक्सर को डालना होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड, मेरे हाथ में इस तरीके से देख सकते हैं, ये जो स्प्रेयर आपको मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड, ये सैनिटाइजर की बोतल है। बेकार बोतल होगा तो ले सकते है, चाहे बोतल किसी भी चीज का क्यों ना हो, इस तरीके से बोतल जो है गोल आकार होना चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आपको थोड़ा सा प्रेशर के साथ घुमाना है। यहाँ पे देख सकते है मैं किस तरीके से कर रही हूँ। धीरे धीरे करके आप अगर इस तरीके से गोल घुमाते रहेंगे तो बहुत अच्छा से आपकी गमला जो है फिनिशिंग बनेगा। किनारियों की बॉर्डर को देख सकते फ्रेंड,
उसी बोतल से आप इसी तरह अगर गोल घुमाते रहेंगे तो उतना ही अच्छे से आपकी गमला जो है फिनिशिंग बन के तैयार हो सकती है। उंगली की मदद से इस तरह से ड्रेमेज होल जरूर बना ले। आप देख सकते फ्रेंड मैं किस तरीके से तैयार कर रही हूँ, लेकिन ड्रेमेज होल को हमें अभी पैक रखना है। थर्मोकोल की मदद से हमें इस तरीके से इस ड्रेमेज होल को पैक करेंगे। आगे मैं बताऊंगी इस तरीके से पैक करना क्यों जरूरी है। फ्रेंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अगर आपके पास अगर बनाते समय एक्स्ट्रा अगर मिक्सर बन चुका होगा या फिर इस तरह से बच गई होगी तो आप उसे बेकार जाने ना दे या फिर फेंके भी ना। इस तरीके से आपके पास छोटा सा अगर प्लास्टिक गमला होगा तो उसे ले सकते है। बचा हुआ मिक्सर अंदर से इस तरह से ऑयलिंग करके दोबारा इस तरीके से इसमें भी आप छोटा सा एक गमला तैयार कर पाएंगे। बहुत आसानी से आपकी गमला जो है इसी तरीके से बनके रेडी हो सकती है। मेजरमेंट में अगर कम ज्यादा हुआ तो इस तरीके से मिक्सर को आप बिल्कुल भी बेकार जाने ना दे। ऐसी जगह में रखना है जहाँ पर बिल्कुल भी धूप ना हो, छायादार जगह में 2 दिन के लिए छोड़ना होगा फ्रेंड। उसके बाद ही इस गमले को हम बाहर निकालेंगे। 2 दिन के बाद हमारी गमला जो है पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुका है। निकालने से पहले आप इस तरह से स्प्रेयर की मदद से आपके पानी से स्ट्रांग करना होगा। इस तरीके से आपको नीचे कुछ भी बिछा लेना है, प्लास्टिक वगैरह। उसके बाद इस तरीके से गमले को लेके धीरे से नीचे इस तरह से आपको रखना होगा, देख सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड, बहुत आसानी से हमारी गमला जो है, ये देखिए फ्रेंड, बहुत आसानी से निकल भी चुका है। बाय चांस अगर निकलने में परेशानी हो तो आप प्लास्टिक के ऊपर गर्म पानी को डाल सकते है जो कि और बहुत ज्यादा आसानी से निकल जाएगी। लेकिन जब आप छायादार जगह में 2 दिन के लिए इस तरीके से रखेंगे तो निकलने में बहुत आसान होगा, किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। निकालने के बाद आप चाहे तो इस तरीके से पानी की मदद से आप थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इस तरीके से जितना ज्यादा आप पानी इस तरह से डालते रहेंगे आपकी गमला जो है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते रहेगा। और थोड़ा सा फिनिशिंग करेंगे जो कि हमारी गमला बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगी। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, किसी भी काम को आप अगर इस तरीके से कोशिश करेंगे तो बहुत आराम से बना पाएंगे। सिर्फ मैंने सीमेंट ली हूँ और यहाँ पे मैंने पानी मिला के एक अच्छा घोल बनाएंगे इस तरीके से। बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा करना है। इसे कोटिंग करेंगे जो कि हमारी गमला बहुत ज्यादा फिनिशिंग और बहुत खूबसूरत दिखाई देगी। इस गमले को घर पर तैयार करके अगर सेल करना चाहते है तो भी कर सकते फ्रेंड, या फिर आप अपनी गार्डनिंग में यूज कर सकते है। जितना चाहे आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते है। हमेशा हर वीडियो में आपको मैं बताती हूँ, सीमेंट क्राफ्टिंग जब भी करे तो हमेशा छायादार जगह में ही करना है। पूरी तरह से बन के रेडी ना हो जाए तब तक आपको छायादार जगह में ही बनाकर रेडी करना है, बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना है। धूप में अगर आप रखेंगे फ्रेंड तो बहुत जल्दी सूख तो जाती है लेकिन अंदर से जो है स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए फ्रेंड इस बात को हमेशा ध्यान रखें। इसे हम एक कोटिंग करने के बाद इसी तरह हम 1 दिन के लिए या फिर कुछ घंटे के लिए छोड़ सकते है। ऊपर की एरिया सूखेगा, उसके बाद फिर अंदर से हमें और एक कोटिंग करना है। पानी डाल रही हूँ जो कि हमारी गमला स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन फ्रेंड कुछ काम आगे भी और करना बाकी है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से जब हम गमले को घर पर तैयार करते फ्रेंड तो बाजार से भी कहीं ज्यादा हम अपने हाथ से बनाते हैं तो हम बहुत ज्यादा अच्छी और मजबूती के साथ हम बना सकते है। पानी और सीमेंट से मिक्सर तैयार करके मैं अंदर की ओर भी इस तरह से कोटिंग कर दे रही हूँ, आप देख सकते है। किनारियों को भी अच्छा से आप फिनिशिंग के साथ इसी तरह आपको कोटिंग करना होगा जो कि हमारी गमला देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगी। गमला इस तरह से बन के पूरी तरह से रेडी हो जाए उसके बाद हमें इस तरह से पानी भरकर 2 से 4 दिन के लिए या फिर 1 सप्ताह के लिए भी छोड़ सकते हैं। इस तरीके से गमला बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए फ्रेंड थर्मोकोल को हमने लगाए थे जो कि हम पानी भर के इस तरह से छोड़ सके। आगे जो है बहुत आसानी से हमें ड्रेमेज होल को खोल लेना है। ड्रिल मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी भी तरीके से नोकीले चीज या फिर कील लेके भी निकाल सकते हैं। बहुत आराम से उसकी होल जो है खुल जाएगी। कुछ गमला इस तरीके से बनाया जाता है जो कि ड्रिल मशीन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जब हम बनाएंगे तो हमें ड्रिल मशीन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी चीज से आप इसी तरीके से आप ड्रेमेज होल को खोल सकते है, बहुत आराम से खुल जाएगी। यहाँ पे देख सकते है अंदर जो हमने थर्मोकोल लगाए थे, इस तरीके से थर्मोकोल जो है बारीक होके निकल चुका है। इसके बाद फ्रेंड आप चाहे आप अपनी मनपसंद के हिसाब से बहुत खूबसूरत कलर पेंट कर सकते हैं। प्लांट्स लगा के आप अपने गार्डन को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, देख सकते फ्रेंड। इसी तरह आप अपने गार्डन के लिए बहुत सारा गमले को तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। फिर भी अगर यहीं पर डाउट्स होगा तो आप जरूर कमेंट करके पूछिए।